तो भाई आज हम व्लॉग अपना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो भाई इसका सीन कुछ ऐसा है, मैंने अभी बालों पे लगाया हुआ है दिल, तो मैं बहुत आप लोगों का अजीब सा लग रहा हूँ। तो इसका सीन कुछ ऐसा ही है ना, ये कबूतर मेरे भाई ने पकड़ा था तकरीबन 2 से 3 दिन पहले। तो अभी यार ये जस्ट दोपहर तक तो ठीक था ये, तो अभी भी ज़िंदा है, ये मरा नहीं है। ये देख रहे इसकी आँखें खुली हुई है बिल्कुल एंड हालत पर। ये मेरा भाई बता रहे कि सुबह के 6 बजे ना ये वहाँ सामने आके बैठ गया था, तो है ना इसको मेरे भाई ने पकड़ लिया था। तो फिर ये काफ़ी दिनों से मेरे भाई के अंदर रूम में ही रहता था ये, तो सेट था नहीं इसको, अच्छा हुआ अचानक से ये बिल्कुल फारिग हो चुका है। तो मैंने यार थोड़ी देर पहले पूरी छत साफ करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करा है, ये मेरे पास ये मर गया है, ये मर रहा था ये इसलिए। तो अभी मैंने इन सबको जस्ट थोड़ी देर पहले खोला था, उनको मैंने बंद करा है, वो जो सारे हैं कि हम इन सबको हटा रहे हैं। मेरे भाई ने बोला कि मैं कबूतरों का पिंजरा बना दूंगा। मेरा भाई मैंने अपने भाई को कहा मेरे कबूतरों का ज़रा पिंजरा तो बना दो। मेरे भाई ने कहा मैं बना देता हूँ कुछ टाइम, मतलब संडे आ रहा है, मेरे भाई संडे का बोला है, मेरा भाई का पता नहीं है। ठीक है तो मैं कैप पे पाओ थोड़ा थोड़ी फिट करता हूँ मैं, ये अजीब सी लग रही है पता हम भाई। बाय बाय गया, ज़िंदगी मौत तो भाई अल्लाह के हाथ में ही, हमें भी एक ना एक दिन चले ही आना है। हमें भी एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाना है। और सेट लग क्योंकि मेरे ऊपर कैप भी है ना, बेल बालों पे लगाया हुआ तेल, मेरे बाल बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, इसलिए मैंने कहा तेल लगा लेते हैं बालों पे। यार यही मामला, और उसने जो एक अंडा दिया था वो अंडा भी ख़राब ही हो चुका है, और ये फीमेल भी मरने वाली है कुछ टाइम में, मर जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल है ना, आप याद करें जो हमारे पास पहले ब्राउन कलर की फीमेल थी जो हमने इस नर के साथ लगाई हुई थी, ये जो नर बैठा हुआ है ये, हाँ नहीं हाँ ये वाला नर के साथ जो थी, जो बिल्कुल मैंने बताया था आज तक अगर हल्की होती जाएगी वो, और फिर वो जस्ट अवे मरी गई। मैंने पूरी ये जगह पूरी धोई है, मैंने ये पूरी गंदी तरीन हो रही थी जगह। मेरा भाई ना मेरे से नाराज़ हो गया था क्योंकि ना अभी कल परसों की बात है, मैं मेरे भाई ने मुझे बोला था कि दाना पानी इनका छीन छाड़ दिया क्योंकि मैं सो गया था सारे। मेरा ये देखें कि जान निकल ली है इसको, रुके मैं पानी इसको रुके मैं पानी या दाना वाना के इसको पानी पानी पिला देते हैं। पानी बिल्कुल हल्का है समझ, कुछ पकड़ा हुआ नहीं है मुझे, तो ऐसा ही फील हो रहा है। इसको रखते हैं हम कबूतर को यहाँ पे, भरते हैं हम पानी, बिल्कुल देख रहे हैं इसकी जान अभी उसके अंदर है लेकिन ये मर ही रहा है। बस अल्लाह बेहतर करेगा क्योंकि हमें भी एक ना एक दिन चले ही जाना है इस दुनिया से। पानी लोगों में एक बात बताऊँ, अब थोड़ा ये बेहतर लग रहा है। इसकी आँख भी देखने पूरी आँख इसकी पूरी ख़राब हुई हुई थी। ये वाला जो कबूतर है ना, ये जो फीमेल बैठी हुई है, ये भी इन्हीं का था। मतलब यार मैंने पहले भी बताया था कबूतर आया था अपना परिंज लगा था पर्पल कलर, तो यार यहाँ पर वो जाहिल मैंने क्या बोलूँ बंदे को, मैं जुल्म कर रहा कबूतरों पर, वो दिन रात भर उनको उड़ाता रहता है, तो ये हालत हो जाती है उनकी, ये देखते ज़्यादा उड़ाने से यह हालत हो जाती है। ये भी मेरी, ये भी छत पे किस वजह से ही थक गई थी और उड़ गए, तो ये मैंने बताया था मेरे जीने में घुसी है ये, तो बिल्ली ने अटैक करा था मेरे घर के अंदर आ गई थी ये वाली फीमेल। वो वाला मेल भी थक थक के इतना उड़ा लिया, उसको इतना ज़बरदस्ती उड़ाया गया था, तो वो मेरे दोस्त की छत पर उतरा था, वहाँ से भी वो बिल्कुल एंड पर हार्ट अटैक हो गया था। उसका भी ये हाल देख लो, मेरा बता रहा सुबह सुबह ये छत पर हमारी आके बैठ गया था, फिर ये उसके बाद से उड़ नहीं पाया था, उसको हार्ट अटैक हो जाता है क्योंकि इतना उड़ाते ना यार, सही नहीं रहता इनके लिए। मैं उन कबूतरों को इतना कुछ थोड़ी उड़ाता हूँ, बस एक दफ़ा उड़ा बैठे रहे ये लोग अपनी मर्जी से जो करना करो यार, इतना उड़ाना इनके लिए ना नथिंग अच्छी बात नहीं है ये। खैर भाई क्या बोले हैं, सराई की होते हैं साले क्या। खैर भाई अंदर 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 चलो, बंद हो गया अब तो, अब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं चूजा चूजा। ढूंढ लिए गया था माशाल्लाह भाई, इतना बड़ा हो गया है, ओए ओए देखे दो आप लोग, अरे सुभान अल्लाह
चलो दफा हो जाओ अपनी अम्मा के पास, ढूंढ रही है ये। यार देखो ये मतलब मर जाएगा, मुझे इतना लग रहा है सांसें खत्म गया। देख रहे थे पर के नीचे लगा हुआ पर्पल कलर, गलत करता है। और आपको बताना भूल गया, हमारी जो एक और जो मुर्गी थी ना उसको बताने, इसके ना पेट में अंडा फंस गया था इसलिए उसको कटवा दिया था हमने, वो मरने वाली थी। और बहुत मेरा भाई सब ये जितने वो सब मेरे भाई डरा रहे हैं, मेरा भाई हो गया उनसे परेशान, इतनी गंदगी हो रही है ना छत पर, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही छत पर। जैसे मेरे भाई ने कहा भाई ख़त्म करो इनको, कबूतर गंदगी भी नहीं करते, सच बात है कबूतर इतनी गंदगी नहीं करते। चलो और बताना भाई चेंज करते हैं। तो भाई पब्लिक अब मैं ट्राइपॉड्स आ गया हूँ, लोग ज़्यादा कैमरा मेरा हिलता हिलता नहीं दिखेगा। ये मेरी मम्मी के बाद थोड़ा ध्यान से इसको हमने यूज़ करना पड़ेगा। जो फारिक दान है उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, उनको भी दूंगा क्योंकि जब छत साफ करा था ना मैंने सबके ना कटोरे थे ना जो देख रहे मैंने रख दिए थे यहाँ पे, देख रहे ये रहे इनके भी। तो यार मैं ना आपको इनका दाना पानी चेंज करके मिलता हूँ। अब आप लोगों को मेरा कैमरा इतना हिलता हुआ दिख रहा हो क्योंकि आपका भाई आ गया है ट्राईपॉड पे और ये ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों तरह इनका भी तो हम जायज़ा करवाएं। सिर्फ हमारे पास तीन बच्चे में एक जो मैंने बताया उसके पेट में अंडा फंस गया था वो कट चुकी है। और ये अरे 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 उससे अरे दादाजी अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। चलो हम इनको पानी पिलाते ताकि इनका गला तो खुशक ना रहे। तो भाई मैंने इनको पानी दे दिया और उनको अंदर दाना पानी दोनों चीज़ें इनको दे दी हैं। फिर बाकी ये रहा इनको एक दफ़ा मुड़ाते हैं। हेलो हेलो और वो दोनों वो रहे ना बोलो बोलो अम्मी आई थी, अम्मी नाश्ता देके गई हैं और ये चूहे आ रहे हैं मेरे पीछे छोटे छोटे से, वो देखें देख कैसे रही है मुझे अम्मा दादी। रुके मैंने इनको बंद करा हुआ था। तो अपने मैं भाई को नाश्ता वास्ता देता हूँ और ये तो दी एंड हो चुके हैं हमारे भाई साहब। चलो यार कोई बात नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, बस थोड़ी देर में मतलब शाम के टाइम काफ़ी से मिलता हूँ। ग्रूब होने वाला है और ये देखें भाई साहब, और अभी भी इसके अंदर अभी भी जान है इसके अंदर। और हाँ भाई चलो अंदर, इसकी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस इतवार तक मैं कोशिश करूँगा इसकी भी शादी हो ही जाए, मतलब ये भी इसका जोड़ा मनी जाए आखिरकार। बड़ी मेहनत भाई वो रहा तुम लोगों के लिए, सब मैंने रखा हुआ है, तुम लोग यहीं पे घूम रहे हो, वहाँ पानी भी। चलो अच्छा नीचे नहीं, नीचे नहीं, पीछे हो जाओ भाई, नीचे ना चले जाए, इनका भरोसा नहीं है और नम्मा मेरे रख देंगे। पानी वानी सब मैं वहाँ पर। चलो 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 इनको मैं दाना किस चीज़ में दूँ दूँ। यार यहाँ पे तो कोई ऐसी मैंने देखी तो थी यहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ था जिसके अंदर हम दाना इनको दे सकते थे, मगर नहीं। रुकें रुकें सोचने दे मुझे इस बारे में कि इनको मैं दाना किस चीज़ में दूँ। मट्टी का दो ना थोड़ा सही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं उसे भी दे देते हैं। देखेंगे ये लोग, मुझे पता है ही जाओ जाहिल गवारी लोग। ये लो खा लो, ये लो हुए 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 की मैं हुए हुए हुए। ये लो भाई फेंक ही दो सारा, चलो जमीन से खाते रहेंगे, ये लो फेंक ही दिया उन्होंने, फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वो भाई साहब वो देखो वो अंदर जाके फंस चुकी आएगा, ये आ गया यहीं से। लोग ये होते हैं ना वो जो लोग होते हैं जिनको नीचे ज़मीन में बैठ के मतलब खाने मज़ा आता है,
ये भाई लोग इनको गिरावा गिरावा खाना खाने में मजा आता है। खैर भाई, जिसकी जैसी मर्जी। और उनको देखें भाई साहब कैसे ऊपर बैठे हैं। इंशाल्लाह तेरी जल्द शादी करवाता हूँ मैं, टेंशन ना ले। अभी भी इसके अंदर देखने जान है। चलो यार कोई बात नहीं, ब्लॉग को करते हैं ना, इतना था। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग था, आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले। सब्सक्राइब करो, भाई को ठोक दो, ये मतलब इस जगह से कुछ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। चलो भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। जल्द आएंगे ब्लॉग, कोशिश पूरी है आपके भाई। अल्लाह हाफिज़।